नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। कोविड-19 के खिलाफ ओमान में टीकाकरण एकदम तेजी से चल रहा है, राष्ट्रीय टीकाकरण का अभियान। और ओमान के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि ओमान में जैसे जैसे हम टारगेट ग्रुप को टीकाकरण देते जाएंगे, जो मामलों की संख्या है, संक्रमित लोगों की संख्या, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। डॉक्टर सलीम अल तमीमी ने बताया कि जो भी लोग कोविड-19 के टीका के बारे में गलत धारणाएं बना के रखे हैं, वो जानबूझ के टीका नहीं ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्योंकि इस कोरोना से बचने का एक और एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने मॉल और कुछ वाणिज्य क्षेत्रों में प्रवासियों के भर्ती पर रोक लगा दिया है। और इसमें कुछ जो मनी एक्सचेंज, बैंकिंग, स्टोर कीपर, कैशियर, सेल्स काउंटर पर बैठने वाले लोग, अकाउंटिंग संभालने वाले लोगों को अब विदेशी वर्कर जॉब पे नहीं रख पाएंगी कंपनियां या फिर मॉल्स हैं, क्योंकि इन जगहों पे लोकल ओमानी लोगों को काम दिया जाना, ऐसा रूल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बताया है कि 20 जुलाई 2021 से ये रूल लागू हो जाएगा, यानी उसके बाद किसी भी इन पदों पर प्रवासी लोगों को जॉब नहीं दिया जा सकता ओमान में। सुप्रीम कमेटी के आदेश के अनुसार ओमान में जाने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहना होगा 7 दिनों के लिए। लेकिन 29 मार्च दोपहर 2 बजे से कुछ और नियम ऐड किए जा रहे हैं, और जितने भी एयरलाइंस ऑपरेटर हैं उनको भी ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि आने वाले 29 मार्च से सभी लोग covid19.emusafir.com के माध्यम से ही अपने होटल की बुकिंग करेंगे। और साथ में जिन लोगों के साथ फैमिली है या फिर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको पहले की तरह ही छूट मिलती रहेगी। ओमान में 31 मार्च 2021 को एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हो जाएगी। और आपको बता दें कि 65,173 प्रवासियों ने आउट पास के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, उनमें से 46,355 लोगों को आउट पास दे दिया गया है, यानी ये लोग सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। बाकी बचे हुए लोगों को भी 31 मार्च के पहले उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, प्रक्रिया है, पूरी करके उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी कोई लोग इस समय ओमान में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है उसके दंड को और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि और सख्ती से निपटेगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। क्योंकि काफ़ी दिनों से एमनेस्टी स्कीम को चलाया जा रहा है ताकि आउट पास के लिए जो जुर्माना है वो वर्करों को न देना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के मामले पिछले कुछ वर्षों से हर जगह पूरे विश्व में बढ़े हैं, और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया था रॉयल वन पुलिस ने, जिन्होंने सोशल मीडिया या फिर अखबार, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचिए। साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आपकी जमा पूंजी को जो साइबर क्राइम के लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं। और इसके लिए बैंक मस्कट ने रॉयल वन पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। ओमान में प्रवासियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। NCSI ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि पिछले फरवरी की तुलना में इस साल फरवरी में लगभग 14% प्रवासियों की संख्या कम हो गई है, और जो मैनेजर्स के पोस्ट हैं उनमें भी 15% से ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाला गया है, उनके जगह पे लोकल ओमानी लोगों को वरीयता दी जा रही है। और बात करें भारतीय प्रवासियों की, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं भारतीय लोग। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड-19 के फ्रेश अपडेट जारी किए हैं कि मंगलवार को कोविड-19 के 836 नए मामले दर्ज हुए सल्तनत में, और टोटल मामलों की संख्या 152,364 हो चुकी है, जिनमें से 4 लोगों की मौत की भी सूचना मिली है।
और ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 1,39,846 तक पहुंच चुकी है और 28 लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर आईसीयू में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी है। फ्रेंड्स, यही छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।